दोस्तों आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज आप लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे। पहले एक वीडियो मैंने बनाया था कि हिटॉल किस तरह से बनाया जाता है, और मैंने उतना सीरियसली नहीं लिया था, मैंने बस एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर वो वीडियो प्रेजेंट किया था, लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो आज इरोम्बा किस तरह से बनाते और शीतल चटनी किस तरह से बनाते वो सीखेंगे हम लोग। और अभी जाते हैं, मेरा एक दोस्त है एंथोनी, उन्होंने बुलाया है उनके इन लॉस के घर में, और वहीं पे हम लोग सीखेंगे। और एक बात ज़रूर, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। और प्लस मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ सिन्हा। चलिए इरोम्बा जो डिश है ये एक स्पेशल डिश इसलिए है बिकॉज ये जो डिश आपको इम्यूनिटी प्रदान करती है। जी हाँ, आपको और भी डिटेल्स इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा। और आज स्पेशल किस तरह से इरोम्बा बनाया जाता है एकदम नेचुरल तरीके से वो आज हम लोग सीखेंगे, और देखते हैं किस तरह से इरोम्बा बनाए जाते हैं। तो बने रहिएगा। अभी मुझे बिठाया गया है, शायद किचन में तैयारियां हो रही है किस तरह से बनाएंगे इरोम्बा, उसको दिखाएंगे शायद। तो এর পিছতে শীতল চাটনির কথা না? শীতল চাটনি সাথে শীতল মাছ, এদের পিঁয়াজ, এদের টমেটো, এদের सो इन्होंने बताया किस तरह से इरोम्बा बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले शिम का इस्तेमाल किया जाएगा। शिम का अमाउंट आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, हमें तो बस आपको दिखाना है कि किस तरह से इरोम्बा बनाएंगे हम लोग। और उसके अलावा हरी मिर्च, देखिए एक चीज़ है कि इरोम्बा आप अगर स्पाइसी बनाते हो तभी जाके आपको टेस्ट जो है मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर इरोम्बा स्पाइसी ही होने से मतलब उसका मज़ा आता है, मतलब आपको अच्छा लगेगा। ये जो है नागा मिर्च, इसका इस्तेमाल हम करेंगे अगर स्पाइसी बनाना हो। पोटैटो का यूज़ करेंगे हम लोग, उसके बाद टमाटर, टमाटर मैंडेटरी नहीं है लेकिन टमाटर होने से आपको और मज़ा आएगा, टमाटर जो इरोम्बा का जो टेस्ट है उसको और भी ज़्यादा टेस्टी बनाएगा। और इसके अलावा ये लाइम का पत्ता जो है इसको मणिपुरी में तोकपा निकोम बोलते हैं इसको, ये बहुत टेस्टी है, मतलब इसका स्मेल बहुत अच्छा है। तो इरोम्बा ओवरऑल यही जो है चीज़ें हैं ये इसको यूज़ करने से इरोम्बा आपको मतलब बनाने में अच्छा लगेगा। और अभी आते हैं कि जो मेन मटेरियल, ये हो गया शीतोल बोलते हैं इसको, ये किस तरह से बनाया जाता है मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है, आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा किस तरह से शीतोल बनाया जाता है। ये है शीतोल, ये किस तरह से बनाया जाता है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था उसी वीडियो में। और ये है शीतोल शुटकी, इसको बोलते हैं ये ड्राई फिश, ये जो शीतोल का जो मटेरियल है वो जो शीतोल में जो टेस्ट मिलता है जो इक्विवेलेंट बोलते हैं इसको हम। और शीतोल छुटकी जो होता है ये जो है आर्टिफिशियल होता है ये थोड़ा बहुत, और ये घर में बनाया जाता है। तो हम लोग इरोम्बा हम लोग शीतोल से बनाएंगे, और शीतोल चटनी जो है हम इसी से बना सकते हैं ड्राई फिश से, या तो हम लोग शीतोल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं दोबारा से कहना चाहूँगा, ये हो गया शीतोल और ये हो गया शीतोल सुक्की, मतलब ड्राई फिश जो बोलते हैं फिश का मतलब ये। तो आइए हम लोग देखते हैं किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है चलिए। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। आप इरोम्बा अगर जो है आप कुकर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदा, मतलब टाइम बचा सकते हैं आप, वैसे तो कढ़ाई में भी या तो किसी कंटेनर में करते हैं। तो पहले कुकर में जो है हम लोग पानी, कम से कम आपका अमाउंट इरोम्बा का अमाउंट आप कितना बनाते हैं उस हिसाब से पानी डालेंगे आप लोग उसके बाद। और हाँ, एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया था वो दोबारा से बताना चाहूँगा, दाल का इस्तेमाल ज़रूर होता है इरोम्बा में, दाल बहुत इम्पोर्टेंट एक जो है रोल प्ले करता है। विदाउट दाल आप इरोम्बा
मतलब जो टेस्टी होता है वो इरुम्बा इरुम्बा नहीं रहता मतलब, तो दाल का इस्तेमाल ज़रूर होगा इसमें। तो पहले कुकर में जो है दाल हम लोग जो है मिक्स करेंगे, अंदर कुकर के अंदर दाल हमने डाला हुआ है, दाल का जो उसके बाद जो है चीज़ों को हम थोड़ा धो धो के डालेंगे ताकि साफ सुथरा रहे। बाकी जितने भी दाल है आप देख सकते हैं, आप अपने घर में कितने लोग हैं उसके अनुसार से आप बना सकते हैं। अभी चलिए अभी नेक्स्ट है हम लोगों का आलू। अच्छा, जो है तो मैं हेल्प करता हूँ इसको, अभी शीम जो है हम लोग डाल रहे हैं, ये हम जो है बॉईल कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा इरुम्बा जो है बॉईल करके ही बनाया जाता है, इस पर कोई तेल का इस्तेमाल नहीं होता। और अभी टमाटर का यूज हुआ है अभी, और पनीर और आलू रही हो लास्ट में एंड में, जो भी लाइम का पत्ता है वो हम लोग लास्ट में ऐड करते हैं फॉर स्मेल के लिए। हाँ, अभी ये हो गया शिदल जो इसका जो है मिश्रण किया गया। हाँ, तो नमक जो है दो चम्मच, अगर ज्यादा हो तो दो चम्मच डाल सकते हैं, या तो आपको आधा चम्मच जितना आपका अमाउंट है उस हिसाब से। उसके बाद कुकर, हाँ, सो आप लोगों ने देख लिया कि जो है दो सीटी, दो या तीन सीटी, कोई को सीटी दो सीटी या तीन सीटी के बाद जो है आप उसको निकाल करके जो है उसको मिक्स कर सकते हैं। तो आइए दो सीटी के बाद किस तरह से हम लोग करते हैं वो आगे देखते हैं। प्याज, आप अच्छी तरह से देख रहे हैं शीतल चटनी में हम लोग जो है शीतल छुटकी यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, छुटकी को अभी डाला गया है। मतलब एक के बाद एक आप जो है मिलाते जाइए। एक चीज और हमेशा याद रखिएगा, शीतल चटनी में उतना मसाला आप अगर यूज भी ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि आपको नेचुरल एक अलग सा टेस्ट मिलेगा। जैसे कि 5 मिनट में शिदोल चटनी बन जाएगा, शिदोल चटनी लगभग बन के तैयार है, इस तरफ इरुम्बा भी तैयार है, आप देख लीजिए। ओहो वाव, तो आप देख सकते हैं कैसे मिक्स किया जा रहा है। तो अभी जो नागा मिर्च इसको हम मिक्स कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ लिटरली बहुत मतलब तीखा है नागा मिर्च, कम लोग खाते हैं नागा मिर्च, क्योंकि जिनको हैबिट है वो ही खा सकते हैं। और इरुम्बा अगर आपने अगर स्पाइसी बनाया तो आपको और भी मज़ा आएगा। और साथ में हमने लाइम का पत्ता जो है रखा हुआ था उसको हम मिक्स करेंगे। लाइम का पत्ता देख रहे हैं आप, उसको थोड़ा सा काट करके हमने छोटा बनाया उसको, और नाउ वी आर मिक्सिंग दिस। तो फाइनली तैयार इरुम्बा, और इस तरफ शीतल चटनी भी बनके तैयार, चटनी भी बनके तैयार, बहुत मजा आएगा। मेरे मुंह पे ऑलरेडी पानी आ रहा है, बहुत से लोग जो लोग आप वीडियो देख रहे हैं उनके मुंह में भी पानी आया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत टेस्टी डिश है ये, बहुत मजेदार डिश है, वेरी नेचुरल। आप
एक बार इसका टेस्ट आप ले, आपको अगर अच्छा लग गया तो आप हमेशा इसको जो है इरोम्बा, शीतल चटनी ये सब बना के आप खाएंगे। तो थोड़ा सा वेट और करते हैं, टेस्ट लेते हैं उसके बाद। सो फाइनली इरोम्बा तैयार है, हमें खाना खाने के लिए दिया गया है। दिस इज काइंड ऑफ ए सिंपल मतलब आइटम्स है, फिश है, इरोम्बा है, उसके बाद शीतल चटनी। और नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली मणिपुरी लोग जो है वो ज़्यादातर मतलब नीचे बैठ के खाना खाना पसंद करते हैं, एकदम नेचुरल स्टाइल में। तो आइए टेस्ट करते हैं, पहले शीतल चटनी करो या इरोम्बा करो? इरोम्बा इरोम्बा ना। आप लोग रोटी के साथ भी खाना चाहे तो खा सकते हैं। आप लोग वेट कर रहे होंगे कि मैं ये बताऊंगा कि बहुत टेस्टी हुआ है। लिटरली इट्स रियली टेस्टी, बहुत टेस्टी है। मैं अभी खाना खाना शुरू करूंगा तो आप लोगों से बात कर नहीं पाऊंगा। अभी लाजवाब, अभी मुझे खाना मिल गया है तो खाना खाते टाइम ज्यादा बात नहीं करते। आप मेरे दोस्त को देख सकते हैं, ही इज ऑलरेडी डन, अभी खत्म होने को है उनका। तो जाते जाते एक ही बात बताना चाहूंगा कि आप लोग मुझे प्यार देते रहिए, और भी बहुत सारे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाते जाऊंगा, और मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बार बार कह रहा हूँ। और आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप और भी अगर ज़्यादा जानते हैं ये डिश के बारे में, कुछ भी बताना चाहते हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। মোহন মোটা না সোলে মোহন মোটা না জলে মোরে রিদি অন্তরে জ্বালানা দিয়া পরে এখানে কাটে আতি মোরে।